नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। छात्र ने गुल्लक फोड़कर राशि दी दान, वहीं छोटे छोटे बच्चे कोरोना महामारी से बचाव के लिए दे रहे हैं संदेश। जी हां, कोरोना वायरस और उससे बचाव की अपील सुनकर 9 वर्षीय छात्र कनिष्क श्रीवास्तव ने अपनी गुल्लक फोड़कर विधायक लीना जैन के लिए 1011 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दी। वहीं आजकल छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के वीडियो कोरोना से बचाव के लिए बड़े ही वायरल हो रहे हैं, जो बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह पहुंचकर नागरिकों का परीक्षण करती देखी जा रही है। रामनवमी के अवसर पर रघुकुल युवा परिषद पहले ही राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन निरस्त कर चुका है, लेकिन आराध्य देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष पर रघुकुल युवा परिषद द्वारा गरीब बस्तियों में निराश्रित निसहाय लोगों के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की एवं परिषद के कार्यकर्ताओं ने 13 यूनिट खून ब्लड बैंक में दान दिया। वहीं मंदिरों में केवल पुजारियों द्वारा भगवान राम की आरती की गई। भक्तों के लिए मंदिरों के पट पूर्णतः बंद रहे। नगर के कुछ वयोवृद्ध नागरिकों का कहना है कि ऐसी विकराल स्थिति अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी। विशेषज्ञों की माने तो इस स्थिति से निपटने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें व सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो तभी इस लाइलाज बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं बूढ़ापुरम जैन महिला संगठन द्वारा गरीबों को भोजन वितरित किया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। मैंने अपनी गुल्ला कहना विधायक जी को इसलिए दी है क्योंकि गरीबों को ना भोजन पानी दे सके। जैसी ये महाबीमारी के चलते हमारा चल समारोह का कार्यक्रम नहीं कर पाए थे हम, इसी में हमने सब ने घर पर रामनवमी का कार्यक्रम किया एवं मंदिरों में मनाई। इसी उपलक्ष्य में रामनवमी के इस पावन उस पर हमने रक्तदान का एक कार्यक्रम किया ताकि यह काम आ सके।